जोहार खुशी कुछी भूखी लग रहा है। भूखी लग रहा है तुमको? आज हम लोग तरफ खूब पानी पड़ रहा है, जोर से पानी पड़ रहा है। का खुशी आज खुशी कैसे घूमेगी बाहर? तेरा तो मोच आ गया बच्चा, बहुत पानी पड़ रहा है इसलिए हम लोग अभी 7 बज गया है लेकिन अभी तक सुन रहे हैं इतना पानी। आज ज्योति स्कूल कैसे जाएगी? किधर उसको भूख लग रहा हमारी इंदु महारानी को देखिए, खुद को निहार रही है। खाना खाई? क्या सब्जी? साग दिया। और किधर गई खुशिया? खुशी कहने के लो नहीं, तभी चलते हैं अपना ड्यूटी यार, नहीं तो फिर मम्मी से मार मिलेगा। देखिए और फिर से मेरा सुबह में गाड़ी कौन लेके गया देख रहे, तेल कितना बचा दिया है। मेरा गुस्सा लगता है यार, 1 खुटी बचा दिया है, 3 खुटी था एकदम ना, तेल तो भरता नहीं है। लेके चल जाता है तो चलिए, अभी जाते हैं मड़वा रखने के लिए। कल तो इंदु को पहुंचाने गए, थोड़ा बहुत रुपया जाता तो इंदु स्कूल से नहीं, इसकी वजह से नहीं रुपया। तो चलिए अभी चलते हैं। और कुखड़ी को नहीं भूंजे हैं, बाद में आके माँ भूंज लेगी। इधर आलू चढ़ा रखे हैं, दरवाजा बंद कर दो, ये सब लोग पक ही गए। क्या अगर फोन भींग जाएगा तो क्या होगा खुशी हमारा? हाय खुशी, क्या होगा हमारा? बैंड बच जाएगा, बैंड। और इंदु छोड़ दो ना, घुसा रखो तुम। और इंदु देखिए रेनकोट लगा ली है बाबा का। अब तो तुम सेफ्टी गार्ड लगा ली इंदु, अब तो तुम आराम से रोकेगी। जा घर, जा घर, घुसा ना, आई पकड़ो ना, वैसे कैसे टांगती है, छी मारेंगे। बाय बाय खुशी। इंदु बदमाश दरवाजा बंद कर दिया। अभी पता है वो बाहर भी इधर उधर जाएगी, और पापा का आज गाड़ी है बाहर पे, वो गाड़ी में जाके चढ़ेगी। चप्पल चप्पल दे मेरे को, नहीं लाल चप्पल पहन हुआ है, चप्पल मेरा बाबा कितना बड़ा चप्पल का, और पूरा गाड़ी का इंजन में जाके घुस जाती है। इंजन बोलते हैं क्या? वो आगे वाला मुंह को क्या बोलते हैं? वहां पे घुस जाएगी और वहां से देखती है वो जाली जाली है, उससे टा टा टी टी लिखल है उसमें। तो चलिए अभी चलते हैं, पानी सुबह से दे रहा है, छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। ए इंदु, मेरा साफी कपड़ा भींग गया रे। ओहो देख रे, ये भी भींग गया। ताला बंद कर दो। आप लोग तरफ पानी पड़ता है तो क्या करते हैं कमेंट करके बताइएगा। हमारे तरफ पानी पड़े चाहे कुछ भी हो, हम लोग को काम करना पड़ता है भाई। और मेरा साथी उसकी देख रहे पूरा कब सूखेगा, इधर भी तभी से थोड़ा मौसम साफ किया था। बकरी भात खा रही है, भात बहुत किचकिच, बहुत ज़्यादा किचकिच। तभी हम लोग तरफ ना पटा पटा के सबको रोक रहे, और पापा भी शायद खदवाएंगे क्योंकि मम्मी मशीन लेके गई है उधर, तो
इंदू को बोले कि आप लोग को दिखाएंगे, चलो उधर से जाएंगे। इंदू का बोलती है हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ। तो हम बोले काहे नहीं जाएगी, गायर न खो सुन रहा हूँ, मेरे मुँह भयानक गरी आप ही पता है, इसलिए कभी मैं दूसरा लोग को दिखाती हूँ जो लोग घर चला रहे देख रहे हैं, दिख रहा है ना, सब अपना काम छुट्टी कर कर के देखे कैसे हल चला रहा है। और टूलू चालू किया, देख रहे थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा टूलू मशीन, वो भैया भी चालू किया। फिर इधर जो बड़े पापा है वो भी क्या करेंगे, इधर पानी नहीं पड़ता है, थोड़ा थोड़ा तालाब भर जाएगा ना उसके बाद ठीक होगा क्या, इनके पूरा इधर पानी पड़ेगा तो पूरा हो पाएगा। और देखिए मम्मी पापा को मैं दिखाती हूँ, देख पा रहे मम्मी पापा को आप लोग, नहीं देख पा रहे वो देखिए, पापा कुआं से पानी भर रहा है और मम्मी खड़ी है, और टुल्लू में पानी भरेंगे तब ना। मेरे को अभी पहले से साथ ठीक है, बात खा ले, बात खा ले। तो कहाँ जा रही, कौन है फूफू बना है, कौन फूफू है, परू वाला फूआ कौन है, कहिया लाए क्या तुम, कौन जा रही ना खाए, जा घर बैठो, जा पानी आते जा घरे दान चले लगे, घर जा रखे आराम से। हाँ घास में किधर जाएगी, बीन लेगा लग धूंधी कहाँ के, तो माँ कल दिन भर बीन खाली उखड़ा है ना रोए पर है, कैसा करी आ रही, देख रहे हैं इंदू को एकदम, मम्मी कल निकाली है शायद उसी को, माँ तभी बोल रही है कल से बीन उखाड़े हैं। देखिए इतना सा तो हिंदू, देखिए उसको बहा दिए हैं, वो जा रही है। हमारे तरफ का मौसम देखिए, तो देखिए एक चीज देखिए, वही वाला में गए थे हम लोग मेला देखने के लिए, पहाड़ मेला वही लगता है तो हम लोग तरफ से दिख जाता है। अभी इतना सा रोपा गया है, इंदू आके पूरा रोपना भी स्टार्ट कर दी, चलिए मैं भी चलती हूँ जल्दी जल्दी, नहीं तो मार डालेगी इंदू मेरे को। और हवा कर रहा है, हवा कर रहा है तो छूटेगा पानी, सोच रही हूँ देखिए थोड़ा थोड़ा हवा कर चला रहा है, लेकिन ये तो पानी ऐसे आ रहा है सिर्फ रास्ता कीचड़ करने के लिए। ये पानी तो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा, इतना आ रहा है ना कि छाता पकड़ना मुश्किल है। कपड़ा पूरा भीग गया देख रहे, और इंदू तो रेनकोट डाली है इसलिए इसका ठीक भी हो रहा है, लेकिन क्या करे समझ पूरा ठीक कर भी रही पता है, पूरा भीग गई पूरा कपड़ा पूरा घूमते घूमते ऊपर चढ़ रहा है, कितना ठंडा लग रहा है। ये बारिश तो छूटने का नाम नहीं ले रही, आज लगता है नहीं छूटेगी ऐसी ही है। पूरा बादल कैसे कर दिया, अरे दरवाजा लगो रे, दिखाएंगे रे दोस्तों लोग रे, तो देखिए पानी इतना जोर से पड़ा तो दो दिन का बाद हालत कुछ ऐसा है, तो सोचिए कल कैसा होगा, सोचिए परसों को भी कैसा था, इतना ज़्यादा पानी पड़ रहा था उसका वजह से मैंने ब्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई, और हमारे घर तरफ लाइट भी कट चुका था तो इसका वजह से फ़ोन में बैटरी नहीं था, मतलब चार्ज नहीं था, इसका वजह से आगे आप लोगों को दिखा नहीं सके, लेकिन देखिए अभी कुछ इस प्रकार है। वहाँ जो पत्थर सब दिख रहा था सब कुछ नहीं दिख रहा, ये जो दिख रहा है पूरा तालाब, ये वहाँ तक है जो पत्थर बत्तख सब दिख रहे वहाँ तक है तालाब, लेकिन उधर पूरा खेत है, लेकिन पानी इतना ज़ोर से पड़ा कि पूरा खेत पूरा ख़त्म हो गया, और ऊपर में भी वैसे ही था लेकिन अभी कम हो गया क्योंकि कल दिन भर पानी बह के चल गया इधर ये नाला,
पता है कल कैसा था और परसों कैसा था यहाँ पे, पूरा एक एक जांग पूरा पानी था। वो जो आप लोगों को बोतल दिख रही है ना, पूरा वहाँ तक पानी था, और ये जो यहाँ पे सकार है यहाँ तक पूरा पानी था। इधर पानी सबको जाता है, झरना इधर है झरना, जैसे कि आप लोग को पता है, तो सबको यही से पार हो रहा था। और चापाकल का पानी तभी साफ़ नहीं हुआ है, उसका वजह से क्या करेंगे, तो सारे लोग ये मुसीबत 2 दिन से उठाएं, तभी थोड़ा कम हुआ है। तो बैटरी नहीं रहने कारण मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती, मतलब नहीं दिखा सकी, सॉरी। तभी मैं सोची क्यों ना अभी आप लोगों को नज़ारा दिखाऊं। तो देखिए ऐसा कुछ इस प्रकार हमारा खेत सब डूब गया। देखिए वो वाला जो थोड़ा थोड़ा घास दिख रहा है, यहाँ पे मेरा एक खेत है, मतलब हम लोग का एक खेत है। तो ये पानी जब तक से कम नहीं होगा तब तक से हम लोग रोपा भी नहीं कर सकते हैं, क्या बोलिएगा आप लोग। पूरा डूबा पड़ गया, वो जो खेत दिख रहा है ना वो लोग भी अब खेती नहीं कर पाएंगे जब तक ये पानी नहीं सूखेगा। देखिए इधर पूरा कल, मतलब कल भी था परसों भी था, वो कुछ नहीं दिख रहा था, ये आड़ वाड़ कुछ नहीं दिख रहा था। तभी देखिए उधर जो दिख रहा है ना वो घर, वो बिल्डिंग जो है वो नर्सिंग कॉलेज है, तो ये गड्ढा टाइप से दिख रहा है, ये जो आड़ है उसका नीचे गड्ढा टाइप से दिख रहा है, तो वही बहुत पानी बस उधर चल गया, इसका वजह से इतना सा दिख रहा, नहीं तो कल और परसों एकदम ही कुछ नहीं था। इतना भयानक ही पानी पड़ा ना कि सबका हालत ख़राब कर दिया, बैल बकरी का तो हम लोग का पूरा एक दिन परसों को पूरा घर पे ही था, पूरा उन लोग का पेट पूरा ऐसे घुस घुस गया था, क्या कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को दिखाएंगे कि हमारा खेत तरफ कैसा है, उसको आप लोग देख ही लिए, एक खेत मेरा डूबा पड़ गया है। ये पानी जब तक से नीचे नहीं होगा तब तक से नहीं रो पाएगा। और यहाँ पे 3-4 खेत है जो कि वो दिख रहा है, ये 3-4 खेत है। चलिए फिर आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगी। बाय बाय, जोहार।